अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये थंबनेल एक क्लिकबेट है तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। आज के वीडियो में हम निफ्टी का वीकली चार्ट से लेके वन आवर के चार्ट तक एनालिसिस देखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से 2000 से 3000 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में पॉसिबल हो सकता है। मेरा नाम है चिराग और मैं अपने YouTube चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इलियट वेव सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो 15,183 से एक इम्पल्सिव मूव शुरू हुआ है, जिसको हम अपने कई सारे वीडियो में देख चुके हैं। आज फिर से अगर देखें तो 1 और 2 कम्प्लीट हो चुके हैं और 16,828 से वेव 3 शुरू हुआ है। उस वेव 3 का इंटरनल काउंटिंग देखें तो 1, 2, 3 यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन 4 और यहाँ से 5th जो है ऑलरेडी बन चुका है। अब ये वाले 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 61% को ये क्रॉस कर चुका है। यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसका वेव 5 एक्सटेंडेड है, राइट? क्योंकि वेव 3 उसका एक्सटेंडेड नहीं था, इसलिए वेव 5 एक्सटेंडेड है। तो ये वेव 3 अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये वेव 3 का रिट्रेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो 23-38% रेंज होती है वेव 4 के लिए। जो रेंज अगर हम हाई से कैलकुलेट करें तो 2000 से 3000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये कब हो सकता है? अगर ये वेव 3 जो है यहाँ पे कंप्लीशन के करीब है तो, राइट? उसके लिए हमें देखना होगा कि ये वेव 5 जो है, वेव 3 जो यहाँ से शुरू हुआ है उसका वेव 5 क्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो ये करेक्शन आ सकता है, राइट? तो वो चेक करने के लिए 21,281 से जो बाउंस है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में यानी कि डेली चार्ट में देखते हैं। 21,281 से जो बाउंस है उसमें यहाँ पे डायरेक्टली मैंने 1, 3 और 4 लिखा है। 1 और 2 जो है उसने शायद मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन ली है तो वो हमें नहीं दिख रहे हैं। 3 और 4 के बाद अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38-61% की रेंज में ऑलरेडी वेव 5 आ चुका है। जो 23,894 से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो अपनी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज जो है वो अचीव कर चुका है, राइट? अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो वेव 5 में है और वो वेव 5 भी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज अचीव कर चुका है, यानी कि हम टॉप के नज़दीक है। अब ये वाला जो वेव 5 है जो शुरू हुआ है 23,894 से, राइट? उस वेव 5 को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें कुछ और आइडिया आ जाएगा कि कहाँ तक ये टॉप बना सकता है। तो 23,894 से जो बाउंस है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है फ्रेंड्स। 61% से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट कर चुका है। यहाँ पे वेव 3 भी एक्सटेंडेड था, वेव 5 भी एक्सटेंडेड है, राइट? और अगर हम इस वेव 5 का मैक्सिमम लेवल निकालें तो वो आ रहा है 26,193, राइट? अगर ये वाकई में 1, 2, 3, 4 और 5 है तो ये 26,193 के ऊपर नहीं जा सकता और एक्सटेंडेड तो ऑलरेडी है ही। इसका मतलब कि ये जो रेंज है वो निफ्टी के टॉप की रेंज है, 25,849 से लेके 26,193। इस रेंज में से फ्रेंड्स हमें बहुत बड़ा यानी कि 2000 से 3000 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो तेज़ी से रिट्रेस करता है, यानी कि हमें इस रेंज में से क्विकली यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट अगर हम वेव 5 तक भी देखें तो भी क्विकली 1000 पॉइंट का डिक्लाइन जो है वो निफ्टी में देखने को मिल सकता है, राइट? क्योंकि ये एक्सटेंडेड वेव 5 है और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो तेज़ी के साथ रिट्रेस करता है 100% तक।
तो यहाँ तक का हमें क्विक फॉल भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो इवेंचुअली धीरे धीरे करके जो हमने रेंज नीचे निकाली है 23-38% उस रेंज में भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 और यहाँ से भी तो एक वेव 5 शुरू हुआ है जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, लेकिन इस वेव 5 को भी अगर हम देखें 24753 से वहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट। तो उसको अगर हम देखें यहाँ से 24753 से तो वहाँ पे भी 1 और एक इरेगुलर 2, फिर यहाँ पे पिछले वीडियो में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था 3 और यहाँ पे हमने एक रिट्रेसमेंट निकाला था वेव 4 के लिए और उसी रेंज में से निफ्टी में आज बाउंस देखने को मिला है। लेकिन ये वाला जो बाउंस है वो मॉर्निंग में मुझे 3 वेव टाइप का लग रहा था और वहाँ से एक शार्प फॉल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इसे। ये जो बाउंस है वो 3 वेव और शार्प डिक्लाइन है, तो हो सकता है कि 4 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये एक इरेगुलर करेक्शन बन सकता है। तो ये वेव 5 की रेंज जो हमने यहाँ से निकाली थी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी, यहाँ से निकालेंगे तो ये रेंज में भी निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अब हमें देखना क्या है, हम इंट्राडे में देखेंगे कि इस रेंज में कहाँ तक, यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि इस रेंज में ये कहाँ पे टॉप बना सकता है और कहाँ से ये फॉल कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सभी टाइम फ्रेम वीकली से लेके हम 30 मिनट तक पहुँच चुके हैं और हमें लग रहा है कि हम टॉप के बिल्कुल भी करीब है और कभी भी हमें एक बड़ा डिक्लाइन 1000 पॉइंट तो क्विकली देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद अप डाउन करके 2000 से 3000 पॉइंट का डिक्लाइन जो है निफ्टी में आने वाले सेशंस में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप मेरे ख्याल से आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में भी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।